नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने के खिलाफ जगह जगह हो रहा है एहतजाज। बरसों से जेल में कैद अपने साथियों की रिहाई के लिए हुंजा के अवाम कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहरा। और वादी में जरई पैदावार बढ़ाने के लिए सॉइल टेस्टिंग लैब की अपग्रेडिंग। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात कहकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जैसे ही ये बात बाहर आई, मुखालफत का दौर शुरू हो गया। गिलगित से लेकर मुजफ्फराबाद तक हर कोई पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रहा है। जगह जगह पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस सिलसिले में एहतजाज ना हो। मुखालफत करने वाले इन लोगों पर पाकिस्तान की कड़ी नजर है। इस दरमियान पाकिस्तान हुकूमत की नुक्ताचीनी करने की वजह से नाम निहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर तो मुल्क से गद्दारी का इल्जाम तक लगा दिया गया है और लाहौर में उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को लेकर अव्वल दिन से ही साजिशों में मुलविस रहा है। इन्हीं साजिशों के तहत मकामी बाशिंदों को इख्तियारात दिए जाने की बात होती है तो कभी आईनी पैकेज के नाम पर उन्हें ललचाया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी देखने में आया है कि इस खत्ते को पाकिस्तान अपना सूबा बनाने की बात भी करता है और ऐसा ही इन दिनों एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की ख्वाहिश इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी अफसरान ने जाहिर की, इसकी मुखालिफत शुरू हो गई। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर की जमातें और लीडरान भी इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इन्हीं लीडरान में एक नाम है मौजूदा वजीर आजम राजा फारूक हैदर का। उन्होंने एक इजलास के दौरान बिना नाम लिए फौजी जनरलों और इमरान खान हुकूमत पर जमकर निशाना साधा, जिसके एवज में उन पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया है। आजकल इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में शाम को एलीट क्लास बैठती है, शहबाज रियल की बोतल खोलकर कहते हैं, नहीं जी छोड़ो इसको, बस हो गया जो सो हो गया, तुम्हारे बाप का सर हो गया सो हो गया, तुम्हारी बेटी बीवी बहन और माँ के साथ कोई इस तरह सलूक करे जो करता है तुम फिर यही बोतलें पियोगे। पता नहीं लोगों को गैरत को क्या हो गया। ये जो सोडे इंटेलेक्चुअल आपस में बैठकर अंदर रात को ड्राइंग रूम में बातें करते हैं इस्लामाबाद लाहौर और कराची में, लाना पे उनको। नाम निहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम को बरसों तक इस्लामाबाद की खिदमत करने का ये सिला मिला कि अब उन्हें ही गद्दार ठहराया जा रहा है, जबकि उन्होंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी बल्कि सच्चाई बयां की थी। दरअसल बात यह है कि फारूक हैदर ने दबे अल्फाज में ही सही लेकिन कई मौकों पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनाने की मुखालिफत की है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। राजा साहब की तरह ही इस इलाके के एक और साबिक वजीर आजम सरदार अतीक भी पाकिस्तान के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं और साफ अल्फाज में ये बात कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए। अकवाम मुतहदा की करारदादों में तो गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वापस आकर आप उसको कैसे छेड़ सकते हैं, सवाल ही पैदा होता है। यानी बैन अकवामी बरादरी में खड़े होकर आप अकवाम मुतहदा की करारदाद का जिक्र करते हैं, वापस आकर आप उससे तकरीर की गर्दी करते हैं और आप एक कमेटी बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करते हैं। जहां एक तरफ नाम निहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम दबे अल्फाज में पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, तो वहीं यहां की आवाम को इस्लामाबाद का डर नहीं रहा, न ही मकामी लोगों को इन सियासतदानों की तरह ही किसी इख्तदार का लालच है। इसलिए दिन हो या रात आवाम मुत्तहिद होकर ये बात कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। कौम परस्त इस मसले पर पहले दिन से ही मुखर थे
और अब उन्हें भरपूर अंदाज में अवाम का साथ मिल रहा है। इसीलिए कोटली, भिम्बर, कुहाला और मुजफ्फराबाद की गलियों और चौराहों पर खुलेआम पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं। कौम परस्त रहनुमा लियाकत हयात ने मीडिया को खिताब करते हुए दो टूक अल्फाज में कह दिया कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सूबा है और उसे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में रहनुमाई भी हासिल है, लेकिन आज भी बलोची अवाम की मशकशुदा लाशें मिलने का सिलसिला मुसलसल जारी है। कि ये सूबे जो हमें देने की चक्कर है, ये सारा लॉलीपॉप है। ये कभी इनको ऑर्डर के तहत चलाते रहे, अभी गोबूरी सूबा, तफैली सूबा, लेपालक सूबा, फराड सूबा, फलां सूबा, ये सूबे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक चाहिए। अगर सूबे बनने से अगर मसले हल होते तो बलोचिस्तान भी तो सूबा है। हर रोज वहाँ पे जो है वो आपको मशकशुदा लाशें मिलती हैं। सूबे बनने से मसले हल होते तो फिर मशरकी पाकिस्तान अलग क्यों होता? सूबे बनने से मसले हल होते तो पीटीएम जैसी तहरीक पाकिस्तान में क्यों बनती? सिंधु देश के नारे क्यों लगते? ये बात तय है, सूबों से मसला हल नहीं होता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरदार लियाकत हयात से मकामी पुलिस और एजेंसियां इतनी खफा हो गईं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हवालात में डाल दिया गया। लेकिन इससे अवाम खौफजदा नहीं हुए, बल्कि उन्हें पाकिस्तान का असली चेहरा नुमाया हो गया। वो पाकिस्तान जो सच्चाई नहीं सुनना चाहता, वो पाकिस्तान जिसे जगह जगह पर मुत्तहिद सैकड़ों अवाम का हुजूम नहीं दिखाई पड़ रहा। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकालते आजादी के ये मतवाले दिखाई नहीं दे रहे। एहतजाज करते हुए अवाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के झांसे, उसके फरेब में कतई नहीं आना है, नहीं तो उनका अंजाम बलोचियों से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस मामले में पहले दिन से ही एहतजाज की रहनुमाई कर रहे JKLF के रहनुमा तौकीर गिलानी का साफ इल्जाम है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल से जानबूझकर खिलवाड़ कर रहा है और उसे इसका कोई हक नहीं है। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आजाद कश्मीर के अंदर ये जो सियासी सरगर्मियों को रोकने का और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम करने का जो नापाक मंसूबा है, इसको, इस मंसूबे को इन चौकू चौराहों में, इन शराहों पर, इन पुलों पर, इन रस्तों पर जो है वो इंशाल्लाह ताला इस मंसूबे को और उनके जो इस मंसूबे के जो बनाने वाले हैं उनको घसीटेंगे इंशाल्लाह। ये बात सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इस इलाके पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। इसीलिए इस खत्ते में अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोग अलग अलग जद्दोजहद करते आए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब दोनों ही खत्ते के लोग मिलकर इस्लामाबाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस यकजहती की वजह से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं और वो नए सिरे से साजिशें रचने में मशरूफ है। तुम क्यों ना दोगे? आजादी है हक हमारा। आजादी। कुदरत की जानिब से जम्मू और कश्मीर को उन सारी जरूरी वसायल से नवाजा गया है जिसकी बदौलत यहाँ जरई पैदावार में इजाफा हो रहा है। मेहनत कश काश्तकारों के साथ मरकजी हुकूमत और इंतजामिया भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। फिर बात चाहे हाइब्रिड बीज, कीमियाई खाद और जदीद तरीन मशीनों की फराहमी की हो या फिर सॉयल टेस्टिंग लैब की अपग्रेडिंग के लिए इमदाद दिए जाने की, यानी हर महाज पर वफाक काश्तकारों के साथ मिलकर जरई पैदावार बढ़ाने और शोबाए ज़राअत को मजीद फायदेमंद बनाने पर अमल पैरा है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। काश्तकारी के लिए बेहतर आबो हवा, कुदरती वसाइल, जदीद तरीन तकनीक, मशीनें, बेहतर खाद और हाइब्रिड बीज तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम है जरखेज जमीन। वादी में जरखेज जमीन की पहचान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से सॉइल टेस्टिंग लैब की अपग्रेडिंग के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका मकसद लैब की क्वालिटी में सुधार लाना है ताकि यहाँ बेहतर पैदावार हो सके।
जो क्रॉप है उसका डिपेंडेंसी है सॉइल के ऊपर, और जब सॉइल में हम टेस्टिंग करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं कि कितना यूरिया, कितना MOP, कितना DAP डालना है, उसी हिसाब से, या कई बार हम ज़्यादा डालते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। और हमारा जो मोटिव है पूरे इंडिया का जो मोटिव है वो है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाई 2020। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 4 करोड़ रुपए का एक ग्रांट दिया है प्योरली फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। वादी में ज्यादातर लोग काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता हैं और ये यहाँ के लाखों मकामी लोगों के रोजगार का जरिया है। कभी कभी बेहतर जमीन न होने की वजह से काश्तकारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में सॉइल टेस्टिंग लैब के जरिए इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। काश्तकारों की सहूलत के लिए वादी के सभी अजला में ऐसी लैब कायम है और हर लैब को 40 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदे जा सके। इससे जमीन की टेस्टिंग भी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा काश्तकारों को भी मालूम चल जाएगा कि कितनी तादाद में खाद का इस्तेमाल करने से बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। एक इंसान के लिए जैसे तजिया करना ज़रूरी है, टेस्ट करने ज़रूरी है इंसान के लिए, अगर वो नॉर्मल भी हो फिर भी देखा जाएगा कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसको भी वक्तन फवक्तन टेस्ट करना ज़रूरी है, इसके लिए अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक सॉइल टेस्टिंग लैब इन्होंने यहाँ पे बनाई है और बोल रहे हैं कि अपग्रेड भी करेंगे इसको, तो उससे ज़मींदारों को ये फ़ायदा होगा कि उनके एक तो उनके जो उनके डोर स्टेप्स हैं उन पे उनको वो टेस्टिंग की फैसिलिटी मिलेगी और उनको ये पता चलेगा कि जो उनका ज़मीन है उसमें किस न्यूट्रिएंट की कौन सी कमी है। काश्तकारों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो वक्तन फवक्तन मिट्टी की जांच करवाते रहें और उसकी मदद से बेहतर काश्तकारी करें। सबसे खास बात ये है कि हर जिले में इस तरह की सुविधा होने की वजह से मकामी काश्तकारों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अब तो उनकी राह मजीद हमवार हो जाएगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, तो इनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं। तो इनसे मतलब हर कोई जो लेबोरेटरी हमारी है वो अपग्रेड हो जाएगी। बात चाहे अवाम की खुर्दनी अशिया की ज़रूरत को पूरा करने की हो या फिर मुल्क में बागवानी और दीगर मसनूआत के जरिए मुनफरीद पहचान बनाने की, जम्मू और कश्मीर में हुकूमत की जानिब से शोबाई काश्तकारी को मजीद बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुसलसल इकदामात किए जाते रहे हैं। इसके मद्देनज़र मरकजी हुकूमत की इस पहल से यकीनन काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है, तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि जिला मीरपुर में पुलिस ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इब्राहिम जिया के बेटे को एक मेडिकल तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। खातून का ताल्लुक कोटली से है और वो मुजफ्फराबाद में जस्टिस जिया की मिल्कियत वाले हॉस्टल में रह रही थी। ह्यूमंस ऑफ जीबी ने ट्वीट किया है कि जिला हुंजा में एहतजाजियों का मुतालबा है कि अवामी वर्कर्स पार्टी के सभी कारकुन को फौरन रिहा किया जाए। हुंजा के अलियाबाद में इस मुहिम में असीरान रिहाई कमेटी के अलावा बड़ी तादाद में अवाम और सियासी पार्टियों ने शिरकत की। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कोहाला ब्रिज पर पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी के लीडरान और वर्कर्स को एहतजाज करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में लड़कियों की तालीम पर जोर देने की सिमत में जिला अनंतनाग में 100 बेड्स वाला हॉस्टल जल्दी मुकम्मल होने वाला है। इसका काम अगले 2 महीने में मुकम्मल करके मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर हुकूमत को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस सिमत में तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है। अमेजिंग जम्मू ने ट्वीट किया है कि मशहूर मशहूली पेंटिंग्स फने मुसव्वरी की एक अनूठी शैली है जो जिंदा और जावेद रंगों और अलहदा तरह से चेहरों की बनावट के लिए मकबूल है।
जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में गुलामी की जंजीरों में जकड़े आवाम की आवाज बुलंद करने वाले कौम परस्त रहनुमाओं पर पाकिस्तान जालिमाना सलूक करता आया है। सत्ता के नशे में चूर हुक्मरान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज, हर तहरीक और उसमें शामिल होने वाले हर शख्स को कुचलना चाहते हैं। ऐसा ही मामला सियासी रहनुमा बाबा जान और उनके 13 साथियों की गिरफ्तारी का है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत गुज़िश्ता 9 साल से जेल में बंद है। हुकूमत के इस जालिमाना सलूक से अजीरन वादी हुंजा के अवाम गुज़िश्ता कई रोज से सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें समाज के हर तबके का ताउन मिल रहा है। अपनी सरजमी के सपूत की रिहाई का बुलंद नारा लगाते ये लोग हुंजा इलाके के मकामी हैं, जो बरसों से जेल में कैद बाबा जान और दूसरे 13 अफराद की गिरफ्तारी से बेहद नाराज हैं। अवाम की नाराजगी उनके नारों और बयानों से समझी जा सकती है, जिसमें वो साफ तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और फौजी अफसरान के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए हुंजा वैली के अलियाबाद कस्बे में अवाम कई दिनों से एहतजाज पर हैं। काबिले गौर है कि इसी जगह पर 9 साल कबल हुए कत्ल के वाकयात और उसके बाद भड़के दंगों के आरोप में ही बाबा जान, इफ्तिखार करबलाई, मास्टर अलीम जैसे कई बेगुनाह जेलों में कैद हैं। इन्हीं की रिहाई के लिए आज हजारों की तादाद में शामिल लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं, और वो भला एहतजाज क्यों न करें, क्योंकि बरसों से मकामी अवाम के मददगार रहे बाबा जान और उनकी जमात आवामी वर्कर्स पार्टी इन लोगों के हुकूक का मुतालबा करती आई है। बाबा जान कोई दहशतगर्द नहीं था, इफ्तिखार करबलाई कोई दहशतगर्द नहीं था, अलीम कोई दहशतगर्द नहीं था, सलमान करीम कोई दहशतगर्द नहीं था। ये तमाम लोग पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद सरकार ने अपने आका को खुश करने के लिए ये ड्रामा रचाया है। इस एहतजाजी मुजाहिरे में लोगों ने हुक्मरानों और आला अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही इस बात की तंबीह की कि अगर हुकूमत ने जल्द ही मिट्टी के सपूतों को रिहा नहीं किया तो इस एहतजाज में मजीद तेजी आएगी। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लामबंद हुए अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए आवाज उठाने वालों के साथ ऐसी बदसलूकी होना कोई नई बात नहीं है, जैसा वाकया बाबा जान के साथ पेश आया। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बात भूल गया है कि गिलगित बल्तिस्तान की नई नस्ल बाशऊर और तालीम याफ्ता है, और अपने खिलाफ हुई नाइंसाफी के खिलाफ ये लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। वाले इंसान के लिए, उसके हुकूक के लिए, उसके लिए जद्दोजहद कैसे करेगा कि जो भी आवाज उठाता है हुकूक के लिए, इंसानों के लिए, वहां उसको दबा दी जाती है, वहां उसे गिरा दी जाती है। तेरी जान मेरी जान, अरे शम्मा जलाना सीखो, आवाज उठाना सीखो, कियाना सीखो, कियाना सीखो, डर अंदर से भगाना सीखो, अपने कौम को जगाना सीखो, फिर अपना तराना गाना सीखो। मेरी जान मेरी जान, बाबा जान बाबा जान। बरसों से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और वहां रह रहे आवाम के साथ सौतेला सलूक करता आया है। मकामी अवाम को परेशान करने के लिए हर बार नित नए तरीक़ेकार इस्तेमाल करता आया है। उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यहाँ के लोगों को गरीबी, बेबसी और तंग हाली में पीसा जाए। इसके साथ ही अवाम की आवाज़ उठाने वालों को पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ तशद्दुद का निशाना बनाती आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम
इख्तदार में बैठे हुक्मरानों और पाकिस्तान की साजिशों से इस कदर आजिज आ चुके हैं कि अब वो इंसाफ की लड़ाई को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए इन्हें एहतजाजी धरना देना पड़े, लॉन्ग मार्च करना पड़े या फिर शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़े। ये लोग अब बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ कि वो मेरे भाई समेत तमाम 14 असीरान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि मेरे 14 जो भाई असीरान हैं वो बेगुनाह हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने आवाम के हक में आवाज बुलंद की। जो बाप बेटे को पुलिस ने कत्ल किया था उनके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई ताकि उनको इंसाफ मिले। मैं हुकूमत वक्त से ये सवाल करती हूँ, क्या अपनी हक की बात करना, क्या इंसाफ की बात करना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हम गुनहगार सही। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जुल्म करके पाकिस्तानी फौज अपना दबदबा साबित करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि इस इलाके पर उसी की मिल्कियत कायम है। बिना किसी कायदे कानून के अवाम को सजा देकर उस डर को बरकरार रखना चाहती है जो उसने इतने बरसों में पैदा किया है। लेकिन अब लोग इनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अवाम की भीड़ देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ज़ुल्म जबर के खिलाफ, जद्दोजहद के हो, कातिलों के खिलाफ, जद्दोजहद के हो, सहूलतकारों के खिलाफ, जद्दोजहद के हो। ये कैसा हो गया कि बाप बेटे एक साथ शहीद हो गए? ये कैसी गोली थी जो सीधा सीनों पे लग गया, चीरती हुई पार कर गई? क्या ये दानिश्ता हुआ? मेरी मां बहन बेटियों, मेरी भाई बहन बेटियों, ये मुसलिमा हकीकत है मेरी हकीर नजर में, ये एक मुकम्मल साजिश थी। और उस साजिश का मकसद आज के ये 14 असीरान का उम्र भर की कैद का सजा दिलाना था। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का खैरख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन इसके बरअक्स यहाँ के लोगों के बुनियादी वो इंसानी हुकूक सल्ब कर रखा है। इस इलाके के लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरसते और भटकते हुए नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान को ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है, या फिर वो सच्चाई से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? जब लोग परेशानी में मुब्तला होंगे तो गुस्से का गुबार कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ही, लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाला पाकिस्तान अपने खिलाफ प्रोटेस्ट की इजाजत भी बमुश्किल ही देता है। और अगर धरने के दौरान किसी ने बाबा जान की तरह ज्यादा मुखालिफत की तो उसे जिंदगी भर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज तक तो ऐसा ही होता आया है, लेकिन अवाम के बागी तेवर देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में ऐसा करना शायद पाकिस्तान के लिए इतना आसान न हो। मौसम सरमा करीब है और इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर की एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। खास बात यह है कि इस मौसम में ताजी सब्जियां खूब खाने को मिलती हैं और शायद यही वजह भी है कि इस दौरान सब्जियों की मांग काफी बढ़ जाती है। आसानी से दस्तयाब हो जाने वाली ये सब्जियां सेहत के लिहाज से और मौसम के हिसाब से माकूल और सेहत बख्श गिजा होती है। सब्जियों की बेहतर खेती की बदौलत इन दिनों जिला उधमपुर के काश्तकार अच्छी कमाई कर रहे हैं और इन काश्तकारों को देखकर बहुत से लोग मौसमी सब्जियां उगाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। ऐसा देखने में आया है कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हर महाज पर हुकूमत किसानों के साथ मिलकर जरई पैदावार बढ़ाने और फलों व सब्जियों की कई किस्में लाकर किसानों को मजीद फायदेमंद बनाने पर अमल पैरा है। अक्सर माहिर ज़राअत काश्तकारों को जदीद तरीके का इस्तेमाल करना सिखाते हैं।
इसके अलावा फलों और सब्जियों की नई नई किस्मों के बारे में भी बताते हैं। इसी का नतीजा है कि उधमपुर में सब्जियों की काश्त करने वाले बहुत से किसानों की आमदनी हालिया दिनों में दुगनी हो गई है। 20-25 साल की जो सब्जी का काम कर रहे हैं, पहले हम ज्यादा मुश्किल से आधा आधा एक एक कनाल लगाते थे, 10-12 हजार रुपया हम 6 महीने का हमारे को सब्जी का मिलता था। अभी तो जीविका जो प्लान का इन्होंने जो स्कीम दी है, इस स्कीम से हमने जो पहली बार जो हमने जो बैंगन लगाए हैं, इस मौसम में हमने कभी इधर छतिम्बल में बैंगन देखे नहीं थे इस मौसम में। अभी देखो हमारे इधर बैंगन भी 2-2 कनाल में लगा है, इसमें हमारे को बहुत फायदा रहा। पहले कम से पहले हमारा डबल और त्रिकम क्या 50-60 हजार रुपया हमने इस पीछे में सब्जी का बनाया है। सब्जियों की मुख्तलिफ किस्मों की वैरायटीज के मालूमात की वजह से काश्तकार इन सब्जियों को अपने खेतों में उगा रहे हैं। ज़राअत में जदीद तरीन तरीके का इस्तेमाल करने की वजह से उधमपुर के किसान न सिर्फ बड़ी तादाद में फल और सब्जी की पैदावार बढ़ा रहे हैं, बल्कि खुशाइन बात यह है कि अब नौजवान भी एक बार फिर से खेती बाड़ी को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काश्तकारी करके भी वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। पहले तो खेती बाड़ी करते थे लेकिन इतना फायदा नहीं होता था, अभी जो है बहुत फायदा हो रहा है और इनकम भी हमारी डबल हो गई है। और इस समय हमारे जहाँ पैदावार ये बैंगन भी नहीं होते थे और अभी बैंगन भी हो रहे हैं और साथ साथ में हम खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों और काश्तकारों की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि साल दर साल जरई पैदावार के ग्राफ में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी तब्दीली ये देखने को मिल रही है कि काश्तकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उधमपुर में भी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाई जा रही हैं। काबिले गौर है कि कीमियावी तरीके से उगाई गई सब्जियों की कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है और बेहतर सेहत के लिहाज से मुफीद समझी जाने वाली इनकी पैदावार को बाजारों में हाथों हाथ लिया जाता है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Thank you.